हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया पे जिसका नाम है स्टिफाइलोकोकस ऑरियस और यस तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टिफाइलो ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये कोकाई शेप के होते हैं यानी कि स्फेरिकल शेप के होते हैं और ग्राम पॉजिटिव कोकाई की अगर बात करें जो मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम पॉजिटिव कोकाई है उनको दो फैमिलीज़ में क्लासीफाई किया गया है एक फैमिली है माइक्रोकोकेसी और दूसरी है स्ट्रेप्टोकोकेसी तो इन दोनों में एक टेस्ट के बेस पे डिफ्रेंशिएशन किया जाता है उस टेस्ट का नाम है कैटालेज टेस्ट तो दोस्तों माइक्रोकोकेसी फैमिली में जो बैक्टीरिया आपके आते हैं वो कैटालेज पॉजिटिव होते हैं और ये इनका जो अरेंजमेंट होता है ये टेट्राड या फिर क्लस्टर्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं ग्रेप लाइक बंच ऑफ ग्रेप के फॉर्म में ये अरेंज रहते हैं और दूसरे जो स्टेप्टोकोकेसी से जो बिलोंग करते हैं वो कैटालेज नेगेटिव होते हैं और इनका जो अरेंजमेंट रहता है ये चेन के फॉर्म में अरेंज रहते हैं तो ये तो हो गई बात फैमिली की अब इन इस फैमिली में हम माइक्रोकोकेसी फैमिली को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और माइक्रोकोकेसी फैमिली का भी जो बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उस पर हम बात कर रहे हैं स्टेफाइलोकोकस और पे। इसके अलावा और भी नॉन पैथोजेनिक स्पेसीज इसकी होती हैं स्टेफाइलोकोकस की जैसे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस है तो ये बहुत ज्यादा पैथोजेनिक नहीं होते ह्यूमन बींग्स के लिए इनमें जो सबसे ज्यादा पैथोजेनिक स्पेसीज है दैट इज स्टेफाइलोकोकस और यस तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों 1871 में एक साइंटिस्ट हुए थे वॉन गौसन इन्होंने सबसे पहले इसको पस में ऑब्जर्व किया था ह्यूमन बींग्स के पस में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था।, था उसके बाद लुइस पास्चर ने एटीन में इसको सबसे पहले कल्चर किया था लिक्विड मीडियम की हेल्प से उन लिक्विड मीडियम लिया था और लिक्विड मीडियम में इसको सबसे पहले कल्चर किया था उसके बाद रोजन बैक ने इनको ने इसको नाम दिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम दिया ये जो ओरियस नाम दिया गया इसकी स्पीसीज को ये पिगमेंटेशन के बेस पे दिया गया क्योंकि न्यूट्रेंट अगर पर जब इसको कल्चर किया जाता है तो न्यूट्रेंट अगर पर ये गोल्डन येलो कॉलोनीज को प्रोड्यूस करते हैं तो उस गोल्डन येलो पिगमेंटेशन के ही बेस पे इसको ओरियस नाम दिया गया इसकी स्पेसीज को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्टेफाइल जो वर्ड है दोस्तों ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बंच ऑफ ग्रेप्स जिस तरह से ग्रेप्स के बंचेज रहते हैं उस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है इस बैक्टीरिया का और कोकोज का मतलब है बेरी ये स्फेरिकल शेप के होते हैं इसलिए इनको बोला जाता है कोकाई बात करते हैं इनके कुछ जनरल फीचर्स की तो जैसा कि आपको पता है कि ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं जो कि ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में अरेंज रहते हैं इस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर्स इसमें बने हुए हैं तो ये इनका अरेंजमेंट रहता है दूसरा पॉइंट यह कि ये फैकल्टेटिव एनरोब्स होते हैं यानी कि बेसिकली दे आर एरोबिक बट ये ऑक्सीजन की एबसेंस में भी ग्रो कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी रहती है तो उसमें भी ये ग्रो कर सकते हैं दैट्स वाई दे आर नोन एज फैकल्टेटिव एनरोब्स नॉन मोटाइल होते हैं ये मोवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट नहीं रहते और स्पोर्स का भी ये फॉर्मेशन नहीं करते नॉन स्पोरिंग होते हैं और अकेजनली दे आर कैप्सुलेटेड ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं सेलवॉल से बाहर जो कैप्सूल प्रोड्यूस होती है उसका प्रोडक्शन ये करते हैं लेकिन अकेजनली सभी स्ट्रेन में नहीं होती कुछ स्ट्रेन होती हैं जो कैप्सूल का प्रोडक्शन करती हैं दे प्रोड्यूस गोल्डन येलो पिगमेंटेशन जिसके बेस पे इसको ऑरियस नाम दिया गया है ऑन न्यूट्रेंट अगर एंड बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज ऑन ब्लड अगर अगर हम इनको ब्लड अगर पर कल्चर करते हैं तो वहाँ पे बीटा हिमोलिटिक टाइप की कॉलोनीज डेवलप करते हैं पॉजिटिव होते हैं और भी पॉजिटिव होते हैं तो कैटाले जो टेस्ट है वो तो इस बैक्टीरिया को यानी कि स्टेफेलोकोकस को स्टेप्टोकोकस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है यानी कि इसी टेस्ट के बेस पर हम स्टेफेलोकोकस को आ, पहचान सकते हैं क्योंकि ये स्टेफेलोकोकस जो जेनरा है ये कैटालेज पॉजिटिव होता है और स्टेप्टोकोकस

पैथोजेनेसिस कॉज करता है तो सबसे पहला जो विरोलेंस फैक्टर है सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें पैप्टीडोग्लाइकन लेयर सबसे पहले आ जाती है जैसे कि आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में पैप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिक होती है जो थीक होने की वजह से ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है तो बैक्टीरिया ज़्यादा रिजिड बनता है और पैप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टी भी शो करती है दूसरा है टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल पर टिकोइक एसिड का भी कंटेंट प्रेजेंट रहता है जो एडेशन का, का काम करता है और ये ऑप्सोनाइजेशन को इनिबिट करता है सेल सरफेस एडेशन्स में जैसे आपके क्लंपिंग फैक्टर्स हैं इनमें क्योंकि ये क्लंपिंग कॉज करता है तो क्लंपिंग फैक्टर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं जो एडेशन्स का काम करते हैं और क्लंपिंग का काम करते हैं तो ये भी विरोलेंस फैक्टर्स हैं जो पैथोजेनेसिस में इसको हेल्प करते हैं इसके अलावा प्रोटीन ए है जिसका एंटी कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन होता है और कीमोटैक्टिक एक्शन रहता है माइटोजेनिक होता है और ऑप्शनाइजेशन को इनिबिट करता है ये और प्लेटलेट्स इंडक्शन ऑफ प्लेटलेट डैमेज प्लेटलेट्स के डैमेज को भी ये इंड्यूस करता है इसके अलावा कैप्सूल कैप्सूल का फंक्शन आपको पता है कि ये फैगोसाइटोसिस को इनिबिट करता है यानी कि जब बैक्टीरिया अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर फैगोसाइटोस करने की कोशिश कर रहा है उसे तो कैप्सूल अगर प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया को उस फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है नेक्स्ट विरुलेंस फैक्टर्स में आ जाते हैं टॉक्सिन्स ये बैक्टीरिया बहुत सारे टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करता है जैसे मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स की अगर बात करें तो हिमोलाइसिनस आ जाते हैं हिमोलाइसिंस की कैटेगरीज हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा ल्यूकोसिडिन्स आ जाते हैं हिमोलाइसिन का काम होता है हिमोलिसिस का ब्रेकडाउन करना ये सॉरी आरबीसीस का ब्रेकडाउन करना और जो ल्यूकोसिडिन टॉक्सिनस हैं वो डब्ल्यू बी सीज़ का ब्रेकडाउन करती हैं तो इनमें दो फ्रेगमेंट्स होते हैं एक फास्ट और दूसरा स्लो फ्रेगमेंट रहता है इस ल्यूकोसिडिन में और ये अपने आप में एक्टिव नहीं रहता है ये तब एक्टिव होता है जब ये गामा हीमोलाइसिन से बाइंड करता है तो तब ये हीमोलिटिक एक्शन शो करता है उसके बाद ये आर बी सीज का और और डब्ल्यू बी सीज का ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करता है ल्यूकोसिडिन जब तक ये जब ये गामा हीमोलाइसिन से बाइंड करता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सीनर जो हाईमेनोट्रॉफी इसको बोला जाता है तो सीनर जो हाइमेनोट्रॉपिक टॉक्सिन इनको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव इंडिविजुअली इंडिविजुअली ये एक्टिव नहीं होते हैं बट इन कॉम्बिनेशन दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हिमोलाइटिक एक्शन जब ये गामा हिमोलाइसिन्स से बाइंड करते हैं ल्यूकोसिडिनस तब ये एक्टिव रहते हैं या फिर गामा हिमोलाइसिन भी तब एक्टिव होगा जब वो ल्यूकोसिडिन से बाइंड करेगा तो ये दोनों ही सीनर जो हैोट्रॉपिक टॉक्सिन की कैटेगरी में आ जाते हैं दोस्तों ल्यूकोसिडिन जो टॉक्सिन है इसका दूसरा नाम भी है पेंटन वेलेंटाइन टॉक्सिन भी इसको बोला जाता है थर्ड टॉक्सिन है एपीडर्मोलाइटिक टॉक्सिन एप्पीडर्मोलाइटिक जो टॉक्सिन इसका दूसरा नेम भी है इसको एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन भी बोला जाता है ये स्टेफाइलोकोकल्स कार्डेट स्किन सिंड्रोम कॉज करता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसके अलावा एंट्रोटॉक्सिन्स को भी ये प्रोड्यूस करता है एंट्रोटॉक्सिन्स सुपर एंटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं सुपर एंटीजेंस के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अगर आपको नहीं समझ आता सुपर एंटीजन तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं सुपर एंटीजन पर सेपरेट वीडियो लेक्चर तैयार है सेल्फ लिमिटिंग फूड पॉइजनिंग ये कॉज करता है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड लेस देन सिक्स आवर्स का रहता है क्योंकि ये जो टॉक्सिन है एंट्रोटॉक्सिन ये प्री फॉर्म टॉक्सिन होता है जो कि ऑलरेडी फूड में प्रोड्यूस हो जाता है तो जो फूड कंजप्शन के बाद आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है ये बैक्टीरिया उसी फूड में पहले से ही टॉक्सिन का प्रोडक्शन किए रखता है इट तो इसीलिए इस टॉक्सिन को बोलते हैं प्री टॉक्सिन ये जो टॉक्सिन है ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है और साथ में जो ब्रेन में वोमिटिंग सेंटर्स होते हैं उनको भी स्टिमुलेट करता है तो इसमें जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं इस एंट्रोटॉक्सिन के इंटेक से इसमें फूड पॉइजनिंग होती है और फूड पॉइजनिंग में वोमिटिंग नॉइज या ये चीज़ें कॉमन होती है डायरिया बहुत रेयरली इसमें कॉज होता है नेक्स्ट टॉक्सिन है टॉक्सिक सॉक्स सिंड्रोम टॉक्सिन ये भी एक एंटीजन है सुपर एंटीजन की कैटेगरी में आने वाला ये टॉक्सिन है इसमें रिस्क रहते हैं एक्सरसाइज बनने के ऑस्टियोमाइलाइटिस के और पोस्ट सर्जिकल वुंड इंफेक्शन होने के चांस रहते हैं जब ये बैक्टीरिया इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है दोस्तों थोड़ा सा यहां पे इस चार्ट की हेल्प से जो हिमोलाइसेंस की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले बात करते हैं जो अल्फा हिमोलाइसिन्स हैं दे आर इनएक्टिवेटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस बट रिएक्टिवेटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिक्सटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या सिक्सटी टू सेवनटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अल्फा हिमोलाइसेंस एक हीट लेबाइल इनएक्टिवेटर से बाइंड करते हैं लेकिन ये ये जो हीट लेबाइल इनएक्टिवेटर है ये हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर डीनेच्योर्ड हो जाता है इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर आने पे अल्फा हिमोलाइसिन रिएक्टिवेटेड हो जाते हैं दे आर लेथल ल्यूकोसाइडर इन एक्शन डर्मोनेक्रोटिक होते हैं और साइटोटॉक्सिक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और रेबिट आरबिस को लाइज करते हैं बट लेस एक्टिव अगेंस्ट शीप एंड ह्यूमन आरबीसी के लिए लेस एक्टिव रहते हैं दूसरी कैटेगरी है बीटा दे आर इन इन नेचर नेचर हिमोलाइसिपिंग ने लाइजेज शीप आरबिस ह्यूमन और रैबिट आरबिस को ये लाइज नहीं करते उनका ब्रेकडाउन नहीं करते और ये शीप आरबिस की लाइसिस करते हैं केवल एग्जीबिट हॉट कोल्ड फिनोमिना अभी हॉट कोल्ड फिनोमिना क्या है दोस्तों ये जो बीटा हिमोलिसिस है बीटा हिमोलिसिस थर्ट टी सेवन डिग्री सेल्सियस पर तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन ये एविडेंट नहीं होती है जब तक ये चिलिंग पे ना आ जाए जब तक इसको कोल्ड uh, ना दिया जाए कोल्ड टेम्परेचर ना दिया जाए इसको तब तक ये एविडेंट नहीं होता यानी कि आपको ऑब्जर्व नहीं होता बीटा हिमोलिसिस जब तक इसकी चिलिंग ना हो जाए गॉट इट तो हिमोलाइसिस हीमौ, बीटा हिमोलाइसिस स्टार्ट एट थर्टी डिग्री सेल्सियस बट बिकम्स एविडेंट ओनली आफ्टर चिलिंग चिलिंग होने पर ही एविडेंट होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट हो जाता है गामा हिमोलाइसिस की बात करेंगे तो ये आपको पता है जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ल्यूकोसिडिन के साथ बाइंड करने पर ही ये एक्टिविटी शो करते हैं हिमोलिटिक एक्टिविटी दे लाइज रेबिट शीप एंड ह्यूमन आरबीसी ये तीनों की आर को ह्यूमन बींग्स शीप और आरबीसी तीनों की आरबीसीज का ब्रेकडाउन करती हैं डेल्टा हिमोलाइसेंस की बात करें तो ये सर्फेक्टेंट एक्शन इनका रहता है सर्फेस टेंशन को कम करने वाला एक्शन इनका रहता है लाइज ये लाइज करते हैं आर Uh, किस 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 की रेबिड शीप हॉर्स एंड ह्यूमन आर्विस की लाइसिस करते हैं लेथल इन एक्शन होते हैं न्यूकोसाइडल होते हैं और डर्मोनेक्रोटिक भी होते हैं नेक्स्ट विरुलेंस फैक्टर्स की बात करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी कुछ विरुलेंस फैक्टर का, का काम करती हैं इनमें सबसे पहले क्वागलेज एंजाइम की बात करेंगे क्वागलेज एंजाइम ये uh, कुछ क्वागलेज रिएक्टिंग फैक्टर्स से बाइंड करके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है और ये प्रोथ्रोम्बिन इन टर्न फिब्रिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है यानी कि थ्रोम्बिन बनाने का काम करता है तो ये ट्यूब कॉगलेज टेस्ट का बेस रहता है कॉगलेज एंजाइम है नेक्स्ट कुछ और एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है स्टेफेलोकोकस ऑरियस जिसमें से हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियज uh, एंजाइम है इट इज स्पेसिफिक टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस डिऑक्सीबो न्यूक्लियज एंजाइम है दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसके अलावा कुछ और जैसे लाइपेज है प्रोटीजेज एंजाइम्स हैं और स्टेफाइलोकाइनेज एंजाइम है जिसको फिब्रिनोलाइसन भी बोला जाता है इसके अलावा हाइलिरोनिडेज एंजाइम है और लाइपेज प्रोटीज तो है ही हैं जिनको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की कि ये कैसे पैथोजेनेसिस कॉज करता है यानी कि डिजीज़ कैसे कॉज करता है सबसे पहले बात करेंगे कि कॉलोनाइज कैसे होता है इसकी कॉलोनाइजेशन की बात करेंगे तो एंटीरियर नेयर्स के थ्रू ये कॉलोनाइज करता है नॉस्ट्रेल्स के थ्रू या एक्जिला के थ्रू या फिर पेरिनियल स्किन के थ्रू ये बॉडी में कॉलोनाइज होते हैं ये बैक्टीरिया स्टेफेलोकोकस ऑरियस इसके बाद इंट्रोडक्शन इन द टिश्यूज़ माइनर एब्रेशंस या इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू ये टिश्यूज में अढ़ेर होते हैं यानी कि कोई सर्जरी शर्ज, के दौरान इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू भी ये एंटर कर सकते हैं या बॉडी में अगर कहीं माइनर एब्रेशन कट लगे हुए हैं तो उसके थ्रू बॉडी के अंदर ये एंटर

स्ट्रेन इसकी कैप्सुलेटेड है तो कैप्सूल फैगोसाइटोसिस से उसको प्रिवेंट कराती है और कुछ प्रोटीन ए भी एंटी फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं इसके अलावा इनिविशन ऑफ ल्यूकोसाइट माइग्रेशन बाय कीमोटैक्सिस इनिबेटरी प्रोटीन्स कुछ कीमोटैक्सिस इनिविटरी प्रोटीन्स जो होते हैं वो कीमोटैक्सिस को इनविट करते हैं यानी कि अगर कहीं पर इन्फ्लामेशन हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कहीं पर अगर इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर जो हमारी बॉडी की ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो मूवमेंट करती हैं उस इंजर्ड एरिया को रिपेयर करने के लिए ल्यूकोसाइड्स उस तरफ को मूव करते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बैक्टीरिया कुछ कीमोटैक्सिस इनिबेटरी प्रोटीन्स का भी प्रोडक्शन करता है जो उन आ, उन ल्यूकोसाइट्स के माइग्रेशन को इनिबिट कर देता है ताकि वो चीज़ वहाँ पर रिपेयर ना हो इसके अलावा इंट्रासेलुलर सर्वाइवल के लिए फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कॉलोनी वेरियंट कुछ स्मॉल कॉलोनीज वेरियंट्स का फॉर्मेशन करके इंट्रासेलुलर सर्वाइवल को ये बनाते हैं इसके अलावा मैटास्टेटिक स्प्रेड फिर होता है फाइनली फाइनली स्प्रेड्स टू डिस्टेंट साइड्स बाय हीमेटोजिनस स्प्रेड ब्लड के थ्रू यानी कि हिमेटोजिनस स्प्रेड के थ्रू फिर फाइनली डिफरेंट डिफरेंट साइड्स में यानी कि सिस्टमिक स्प्रेड फिर इसका होता है और सिस्टमिक इन्फेक्शंस कॉज करता है ये बैक्टीरिया नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशनस की बात हमने कर ली उसके बाद क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि क्लिनिकल पिक्चर क्या है इसका उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जैसे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस फॉलिकुलटिस फरंकल कार्बंकल इंपेटिगो फॉलिकुलटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ हेयर फॉलिकल फरंकल का मतलब होता है आ, कुछ कुछ पिंपल लाइक लेजेंस बन जाते हैं यानी कि पस फॉर्मिंग लेजन्स बन जाते हैं जिनको हम पिंपल्स बोलते हैं नॉर्मली इसके अलावा कार्बंकल कार्बंकल्स जो होते हैं ये नेक में स्पेशली बनते हैं आ, वहाँ पे उनकी उन टिश्यूज की नेक के की टिश्यूज की नेक्रोसिस हो जाती है इसके अलावा इम्पैटिगो इम्पैटिगो का मतलब होता है रेड सोर्स ऑन द फेस कुछ रेड शोर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं फेस पे दैट बस्ट एंड डेवलप्स इनटू हनी कलर्ड क्रस्ट के फॉर्म में ये दिखने लगता है कुछ आ, शहद के टाइप के कलर के लेजेंस बन जाते हैं और शुरुआत इनकी होती है रेड शोर से इनकी शुरुआत होती है फिर बाद में जब बर्स्ट कर जाते हैं तो हनी कलर्ड क्रस्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इम्पैटिको की ये चिल्ड्रन में होता है ये प्रॉब्लम इसके अलावा स्टाइज स्टाइज ये इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिट्स को स्टाइज बोला जाता है तो नॉर्मली आपने देखा होगा कभी कभी आईलिट्स में कुछ Uh, कुछ फॉर्मिंग लीजेंस बन जाते हैं इस तरह के पस्ट्यूलर लीजेंस बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं तो उसको नॉर्मल भाषा में जैसे हमारे उत्तराखंड में उसको उसको आनड़ बोला जाता है तो जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बता दूं कि आनड़ जिसको हम अपनी लोक भाषा में जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअल में स्टाइज वही है इसके अलावा मेस्टाइटिस मेस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट तो निप्पल के अराउंड कुछ लीजन्स बन जाते हैं इस तरह के पस फॉर्मिंग uh, लीजन्स बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं तो ये उनमें ज़्यादा होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है इसके अलावा ब्रेस्ट एक्सरसिज भी बन जाते हैं सर्जिकल साइट वुंड इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस सर्जरी के बाद जो इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू जो इफेक्शंस होते हैं सर्जरी की साइट पर होने वाले वो इन्फेक्शंस भी कॉज करता है स्टेफेलोकोकस और यस इस, इसके अलावा सेलुलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज इस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज द सेलुलाइटिस हिड्राडेनाइटिस सप्यूरेटिवा हिड्राडेनाइटिस सप्यूरेटिवा ये जो इन्फेक्शन है ये एक्जीला रीजन पर ज्यादा होता है आम पिट पे Got it? तो वहां पर कुछ इसी तरह के पॉस्ट्यूलर पेनफुल लीजेंस बन जाते हैं उन्हीं को हिड्राडेनाइटिस सप्यूरेटिवा बोला जाता है फॉर्मिंग होते हैं इसलिए उनको सप्यूरेटिव इंफेक्शन बोला जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला पिक्चर है इसमें आप फरंकल को देख सकते हैं इस तरह से पिंपल जब आपका बन जाता है इसमें पस भरा रहता है गॉटरेट और दूसरी पिक्चर जो आप देख रहे हैं दिस इज दिखिए आई लीड पर पसफॉर्मिंग लीजन बना हुआ है इसी को स्टाइज बोला जाता है नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये फॉलिकुलाइटिस ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं सॉरी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला ये फॉलिकुलाइटिस क्योंकि हेयर फॉलिकल्स में के थ्रू यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है हेयर फॉलिकल्स में और ये जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं ये है इम्पैटिको बच्चों में इस तरह से आप देख सकते हैं ये, ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं छोटे छोटे और इनका कलर भी हनी की तरह का रहता है तो इसको बोला जाता है इम्पैटिको कुछ मस्कुलो स्केलेटल इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसमें से बहुत कॉमन है सेप्टिक आर्थराइटिस जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन्स का इन्फ्लामेशन पायोमायोसाइटिस यानी कि मसल्स का इन्फेक्शन बेसिकली uh, जो एसआईबी से इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनमें पायोमायोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है इसके अलावा सोएस एप्ससेस जिसको हम फोड़ा बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी होते हैं जैसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इन एडल्ट ये बेसिकली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन्स में आ जाता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया जो लोग हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रहते हैं तो वेंटिलेटर्स से उनको इन्फेक्शंस इन्फेक्शन एक्वायर वो कर लेते हैं जिनमें न्यूमोनिया बहुत कॉमन है इसीलिए उसको बोला जाता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया ये एडल्ट में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है कॉमनली इसके अलावा सेप्टिक पल्मोनरी एम्बोली है जिसमें आपकी जो पल्मोनरी जो वेसल्स होती हैं उनमें सेप्सिस हो जाती है और उनकी ब्लॉकेज हो सकती है सेप्सिस की वजह से उसी को सेप्टिक पल्मोनरी एम्बोली बोला जाता है पोस्ट वायरल निमोनिया है निमोनिया आपका पोस्ट वायरल निमोनिया वायरल किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद निमोनिया जब होता है तो उसमें ये इसको पोस्ट वायरल निमोनिया बोला जाता है इसके अलावा एम्पाइमा है एंड न्यूमोथोरैक्स जिसमें लंग्स को कर जाते हैं इसके अलावा दोस्तों ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन्स भी कॉज करता है सेकेंडरी टू बैक्टेरिमिया बैक्टेरिमा के बाद आ, कुछ आपके यूटीआई भी ये कॉज करता है इसके अलावा टॉक्सिन मिडिएटेड इलनेस भी यहाँ पे होती है क्योंकि टॉक्सिनस बहुत मेजरली ये जो बैक्टीरिया है टॉक्सिनस का प्रोडक्शन करता है तो टॉक्सिन भी बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को लीड करता है जैसे टॉक्सिक सॉक्स सिंड्रोम टॉक्सिन सॉरी टॉक्सिक सॉक सिंड्रोम है जो टॉक्सिक सॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की वजह से होता है इसके अलावा फूड पॉइजनिंग इसके लिए एंट्रोटॉक्सिन रेस्पॉन्सिबल है इसके अलावा स्टेफाइलोकोकल्स कार्डेट स्किन सिंड्रोम ये जो है ये एक्सपोलिटिव टॉक्सिन की वजह से होता है इसके अलावा कुछ सी एम आर एस ए से एसोसिएटेड इन्फेक्शन्स भी होते हैं यानी कि कम्युनिटी एसोसिएटेड एम आर एस एम आर एस ए पर एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप उसको जाके देख सकते हैं मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफेलोकोकस और इस पर इसमें नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया कॉमन है और परप्यूरिया फुलमिनेंस परप्यूरा फुलमिनेंस में दोस्तों क्या होता है यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं परप्यूरा फुलमिनेंस में स्किन पे कुछ रेसेस बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रेडनेस उनमें होती है यानी कि खून के थक्के जैसे बन जाते हैं ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है स्किन में इस तरह से धब्बे धब्बे से बन जाते हैं क्लॉट्स बन जाते हैं तो उसी को परप्यूरा फुलमिनेंस बोला जाता है इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो जाता है फेसाइटिस का मतलब है कि हील्स में जो फूट की हील्स होती हैं उनमें पेनफुल uh, लीजेंस बन जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसाइटिस को यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है तो जो हील्स होते हैं यहाँ पर प्लांटर इसको बोलते हैं प्लांटर फेसाइटिस तो इनमें नेक्रोटाइजिंग लेजेंस बन जाते हैं दोस्तों इसके अलावा स्टेफाइलोकोकल गैस्ट्रो इंट्राइटिस भी बहुत कॉमन है क्योंकि एंट्रोटॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है तो आपकी जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है यानी कि जीआई ट्रैक्ट है उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एंट्रोटॉक्सिन फिफ्टी परसेंट ऑफ स्टेफेलोकोकसियस इसको एक्सप्रेस करते हैं इस टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं ये टॉक्सिन प्रीफॉर्मड है पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है और ये गैस्ट्रिक जूस के लिए रेसिस्टेंट होता है कुछ सीरोटाइप हैं जो गैस्ट्रोट्राइ एंट्राटाइटिस गैस्ट्रो एंट्राइटिस कॉज करते हैं उनमें से बहुत कॉमन है ए सीरोटाइप ए टू ई जी टू आई आर टू टी एंड वी जो सीरोटाइप हैं और इनमें से मोस्ट कॉमनली जो गैस्ट्रो इंट्राइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है टाइप ए ये बहुत ज्यादा कॉमन है साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एंट्रोटॉक्सिन है वो हमने पहले ही आपको बताया कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और ब्रेन के जो वोमिटिंग सेंटर्स होते हैं उनको भी ये स्टिमुलेट करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो वन टू सिक्स आवर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है क्योंकि ये टॉक्सिन क्या है यह प्रीफॉर्म टॉक्सिन है पहले से ही बना हुआ टॉक्सिन है तो इसीलिए Uh, जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं वन टू सिक्स आवर्स में सिम्टम्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं सिम्टम्स की बात करें तो नोज़िया वोमिटिंग ओकेजनली डायरिया भी होता है बहुत रेयर uh, है डायरिया लेकिन नोजिया और वोमिटिंग का सेंस ज़्यादा आता है हाइपोटेंशन बी डाउन हो जाता है एंड डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है फीवर इसमें कॉमन नहीं होता और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है आठ से दस घंटे में खुद ही ये प्रॉब्लम रिकवर हो जाती है सोर्स होता है फूड हैंडलर इसके लिए शोर्स हैं जो लोग uh, मैस वगैरह में काम करते हैं फूड सर्व करने का काम करते हैं तो उनके हाथों में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है उनकी स्किन पे तो उससे ये प्रॉब्लम आ सकती है कौन कौन से फूड आइटम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली बेकरी फूड कस्टर्ड्स पोटैटो सलाद और प्रोसेस्ड जो मीट होते हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अब बात करते हैं स्टेफाइलोकोकल स्कारडेट स्किन, स्किन सिंड्रोम की एस 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 इसको बोला जाता है इसको इस तरह से एस 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 करके आप लिख सकते हैं स्टेफेलोकोकल्स कार्ड स्किन सिंड्रोम दोस्तों ये एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन की वजह से होता है यानी कि एपिडर्मोलाइटिक या एक्सफोलिटिव टॉक्सिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इट कम्प्राइजेज ऑफ टू प्रोटीन्स ये दो प्रोटीन का बना होता है ई जो कि क्रोमोजोमल और हीट आ, हीट स्टेबल होता है और दूसरा ई ये प्लाजमिट कोडेड होता है और हीट लेबाइल होता है मोर कॉमन इन न्यू बॉर्नस एंड चिल्ड्रन ये जो एपिडर्मोलाइटिक प्रॉब्लम आती है यानी कि स्कालेट स्किन सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है ये न्यूबॉर्न्स में और चिल्ड्रन में ज्यादातर देखने को मिलती है क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसमें मे वेरी फ्रॉम लोकलाइज टेंडर ब्लिस्टर सबसे पहले ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन इसमें होता है यानी कि ऐसे लिजन्स बनते हैं जिनमें पानी भरा हो वाटर फिलिंग रिजन्स इसमें लिजन्स इसमें सबसे पहले बनते हैं उसके अलावा फिर एक्सफोलिएशन होता है एक्सफोलिएशन मीन्स जो आउटर एपिडर्मल लेयर होती है वो अंडरलाइन टिश्यूज से सेपरेट

तो अगर यही प्रॉब्लम माइल्ड फॉर्म में हो रही है तो इसको पैम्फिगस न्योनेटोरम बोला जाता है या फिर बुलस इम्पैटिगो भी इसको बोला जाता है रिटर्स सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं जब ये सीवियर फॉर्म में आ जाता है बच्चों में न्यू बॉर्न्स में जो न्यू बॉर्न्स हैं इन्फेंट्स जो हैं उनमें अगर इसकी सीवियर फॉर्म डेवलप होती है तो उसको रिटर्स सिंड्रोम भी बोला जाता है इसमें फीवर आता है बच्चे को लिथार्जी बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है और इरिटेबिलिटी आ जाती है उसमें चिड़चिड़ापन आता है बच्चे में और पुअर फीडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है बच्चा ब्रेस्ट को फीड नहीं कर पाता ठीक अब बात करते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की वजह से होता है ये टॉक्सिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है रिस्क फैक्टर्स की अगर इसमें बात करें तो जो फीमेल्स वेजाइनल टैम्पोन्स यूज करती हैं मैं जो वुमेंस होती हैं वो वेजाइनल टैम्पोन्स को यूज़ करती हैं यानी कि जो पैड्स वगैरह यूज़ करती हैं तो उन उन पर क्या होता है कि यह बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करता है जो टैम्पोन टैम्पोनिक जो फीमेल्स होती हैं उनकी वेजा में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड आ, उसको मिल जाता है वहाँ पे और एफसेसिस भी इसके लिए रिस्क फैक्टर्स होते हैं ऑस्टोमाइलाइटिस रिस्क फैक्टर है और जो पोस्ट सर्जिकल वुंड इन्फेक्शंस होते हैं वो भी इसके लिए रेस्पॉसिबल होते हैं पैथोजेनेसिस की अगर बात करें तो टॉक्सिक सॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है टॉक्सिक सॉक्स सिंड्रोम टॉक्सिन जो है वो सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्व होता है और ये फिर क्या करता है जैसा कि आपको पता है कि ये टॉक्सिन क्या होता है ये सुपर एंटीजन इन नेचर है तो नॉन स्पेसिफिक मैनर में ये एक्सेसिव टी सेल्स का स्टिमुलेशन करता है जिसके थ्रू मैसिव साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जब एक साथ बहुत सारे टी सेल्स आ, एक्टिवेट होंगे स्टिमुलेट होंगे क्योंकि सुपर एंटीजन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से इंट्रैक्ट ना होकर डायरेक्टली जो टी सेल्स होती हैं उनसे इंट्रैक्ट होते हैं और बहुत सारे टी सेल्स को एट ए टाइम स्टिम्यूलेट करते हैं और जिनसे क्या होता है एक्सेसिवली मैसिवली साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होता है और वो क्या करते हैं मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं मल्टी सिस्टम डिजीज इसम में हो सकती है तो इसमें अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो दिस टॉक्सिक सॉक्स सिंड्रोम टॉक्सिन इज करेक्टराइज बाई फीवर हाइपोटेंशन म्यूकोजल हाइपरीमिया वोमिटिंग डायरिया कन्फ्यूजन मियालजिया एबडोमिनल पेन एंड रिथमेटस रैशेस भी इसमें पड़ जाते हैं तो जिसका रैपिड इन्वॉल्वमेंट होता है और ये लीवर की तरफ को मूव करता है तो लीवर इन्फेक्शन्स भी हो सकते हैं किडनीज भी डैमेज हो सकती हैं और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी तरफ भी ये मूव करता है और उसको भी डैमेज करने की कोशिश करता है और अगर इस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के डायग्नोसिस की बात करें तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन का डिटेक्शन करके हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और इस टॉक्सिन को लिटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू या फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉलवेंट ऐसे यानी कि एलाइजा के थ्रू इसको डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर इसके जीन को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो क्लिंडा और वेंकोमाइसिन इस तरह की जो ड्रग्स हैं उनसे हम इनको ट्रीट कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आप लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर ये पसंद आया है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे थैंक यू वेरी मच